हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी 18 फरवरी को जो क्वेश्चन हुए उनके बारे में आज हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन कुछ लेकर आए हैं। कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस करते हैं। वो कहता है इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये आपको मालूम है कि सर्कल का क्या बच्चों क्वाड्रेंट है, क्या ये क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये बच्चों क्वाड्रेंट है, तो ये आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है, तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है वो आपका कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या जी आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस क्वाड्रेंट में के ऊपर इधर भी एक सेमी सर्कल बना, इधर भी सेमी सर्कल बना, इधर भी सेमी सर्कल बना, इधर भी सेमी सर्कल बना, तो कितने सेमी सर्कल बने हुए हैं बच्चों, चार सेमी सर्कल बने हुए हैं। यदि चार सेमी सर्कल को आपस में मिला दो तो कितने सर्कल बनते हैं, दो सर्कल बनते हैं। तो इस सेमी सर्कल का नाम वन है, इसका नाम टू है, इसका नाम थ्री है, और इसका नाम क्या है, फोर है। तो ये बात समझ आई या नहीं। तो क्वाड्रेंट का एरिया आपको टोटल कितना दे रखा है, 28। इसका रेडियस कितना दे रखा है, 28। तो इसका डायमीटर कितना होगा, 14, और इसका भी डायमीटर कितना होगा, 14। इज इट क्लियर और नॉट। तो इसका जो स्मॉलर सर्कल है, स्मॉलर सेमी सर्कल है, उसका रेडियस कितना होगा बच्चों, 7। कितना होगा, 7। यहां तक बात समझ आती है, नहीं आती। तो बच्चों अब निकालना है, तो पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लो। तो क्वाड्रेंट का एरिया आपको मालूम है 1/2 × π, और आर क्या था आपका, 28 स्क्वायर। बात ही समझ। और चार सेमी सर्कल से कितने सर्कल बन गए, दो सर्कल बन गए, तो उनका एरिया निकालना है। तो दो सर्कल और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। और ये जो आर है बच्चों, यहाँ पर 14 था, 14 का आधा कितना होता है बच्चों, 7। तो 7 का स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट, अच्छी तरह, ओके। लेकिन बच्चों इस काम के अंदर ये जो शेड किया हुआ पोर्शन है, इसका एरिया डबल एड हो गया। आपने जैसे कुछ क्वेश्चन किए होंगे, कुछ लोग हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं, कुछ लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पकड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो डबल इंक्लूड हो गए ना, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और वो सब्ट्रैक्ट करना है तो वो डबल ऐड हो गए, डबल सब्ट्रैक्ट हो गए, तो ऐड हो गए हैं, तो उसे एक बार क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही, तो उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। समझ आई बात बच्चों, क्योंकि वो इधर भी था और इधर भी था, दोनों में इंक्लूड था, दोनों में क्या था, इंक्लूड। अब बच्चों मेन समस्या यहां आ गई कि वो कैसे निकाला जाए। अब देखो बच्चों, एक छोटा सा मैं आप लोगों को, ये देखो दो सेमी सर्कल ही बनाता हूं, एक सेमी सर्कल ये बना बच्चों, बात आई बच्चों समझ। और ये जो दोनों सेमी सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे वो अपने साथ क्या फॉर्म करेंगे, इधर देखो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं बच्चों, इसी के बारे में बात कर रहा हूं, ये स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं, स्क्वायर। अब जो फिगर बना हुआ है उसके अंदर बच्चा देख के कहता है शायद ये रेडियस से कम होगा, लेकिन ये रेडियस के इक्वल ही होगा। और इसका रेडियस कितना था बच्चों, 7। इसका रेडियस कितना था, 7। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग बना देता हूं मैं। ये आपका बच्चों स्क्वायर है, ये आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, ये क्या चीज होती है, सेगमेंट। क्या होता है, सेगमेंट। इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल का एरिया यदि मैं सबट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये दूसरी तरफ से भी वही एरिया आ जाएगा, तो मैं मतलब एक बार एरिया निकाल लूं और उसे डबल कर दूं तो दोनों तरफ वाला एरिया आ जाएगा, जो दोनों के अंदर इंक्लूडेड है उसको हम क्या कर देंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो रिक्वायर्ड हमारा एरिया आ जाएगा। तो ये बात आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही, अच्छी तरह समझ आ रही है बच्चों। तो अब हम सोचते हैं इसको अब कैसे किया जाए। तो ये बच्चों आपका मालूम है कितना है, 7। ये भी कितना है, 7। तो इसका जो डायगोनल है वो कितना होगा बच्चों, ये बताओ, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर दिया तो 2 टाइम 7 का स्क्वायर, तो 7 बाहर आ गया, तो 7√2। तो ये क्या आ गया बच्चों, 7√2। ये जो आपका डायगोनल बन रहा है, इसका जो रेडियस है वो क्या बच्चों, 7। इसका रेडियस क्या है, 7, ठीक है। और इसका वो भी आपको मालूम है, क्वाड्रेंट को भी मालूम है, और क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, 1/4 π × 7 का स्क्वायर, और 1/2 × 7 × 7। ये बात समझ आई या नहीं। इस एरिया को मैं क्या कर दूंगा बच्चों, ये दो बार ऐड हो गया था तो इसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ गया 1/4 π × 7 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/2, ये जब माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 7 × 7। ये बताओ बच्चों, ये बात समझ आ गई या नहीं आ गई आप लोगों को। फिर दोबारा देखो बच्चों, एग्जामिनर हो सकता था कि ये सर्कल देता ही ना बिल्कुल भी, सिर्फ ये पोर्शन देता। अब उस एग्जामिनर ने आपको एक सर्कल बना के दे दिया ताकि बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं, तो बच्चे इंटेलिजेंट है, वो कंफ्यूज होते नहीं है। तो दो सेमी सर्कल ये बने हुए हैं
और दो सेमी सर्कल ये बने हुए हैं, और उसके इंक्लूडेड ये वाला एरिया जो है, ये वाला जो शेडेड पोर्शन है वो एरिया निकालना है। तो पूरे क्वाड्रेंट में से दो सेमी सर्कल, चार सेमी सर्कल बने हुए, तो चार सेमी सर्कल से सर्कल कितने बनेंगे, दो, उनका एरिया क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। इस काम के अंदर ये एरिया जो है हमारा जो है डबल ऐड हो गया, क्योंकि इस वाले सेमी सर्कल थर्ड में भी ऐड हो गया और वन के अंदर भी ऐड हो गया, उससे हमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब मैंने आपको ये बताया कि एक सेमी सर्कल ये लिया और एक सेमी सर्कल ये लिया, ये जो इंटरसेक्ट करेंगे और जहां से हम परपेंडिकुलर कराएंगे तो वो कहां पर मिलेगा, दोनों सेमी सर्कल के सेंटर में मिलेगा। तो ये हमारा सेगमेंट बन रहा है। तो ये सेवन है, ये सेवन है, तो इसका ये जो डायगनल है वो क्या होगा, सेवन रूट टू। तो इस क्वाड्रेंट में से आप जो है कौन सा एरिया सबट्रैक्ट कर दोगे बच्चों, इस क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल का एरिया क्या कर दोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे, क्या कर दोगे, ट्रायंगल का एरिया क्या कर दोगे, सबट्रैक्ट। ये एक सेगमेंट का एरिया आया और दूसरे सेगमेंट का एरिया भी क्या आएगा, इसी तरह आएगा, ठीक है। तो इसको बच्चों ब्रैकेट में ही रखो और इसको माइनस में रखो और इधर टू टाइम बाहर टू से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, टू से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। इसको मैं प्रॉपर वे में लिख देता हूँ, 1/4 इंटू पाई इंटू 28 का स्क्वायर। ये बात समझ आ गई। तो ये पूरा जो जो फिगर बना हुआ था, इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया आ गया, उसमें से दो सर्कल का एरिया जो है बच्चों क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। और ये जो सेगमेंट्स का एरिया है, डबल सेगमेंट का एरिया, वो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उससे दो बार ऐड हो गया तो एक बार और क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वो आएगा हाफ 1/4 इंटू पाई इंटू 7 का स्क्वायर, और ट्रायंगल का एरिया उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तभी आएगा। ये बात समझ आई या नहीं। अब बच्चे जो जल्दी करना चाहते हैं, जो थोड़ा सा जिनकी तैयारी है, जिनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह हैं, तो उनको ये वाला काम करने की जरूरत नहीं है, वो इसको याद रख सकते हैं। और याद रखने का तरीका क्या है, आर स्क्वायर इंटू पाई बाई टू माइनस वन, तो ये वाला पोर्शन का एरिया आ जाता है, क्या है, ये वाले पोर्शन का एरिया आ जाता है। और यदि आप और बहुत जल्दी करना चाहते हैं, यदि ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो आपको क्या करना है, 48/7 इंटू आर स्क्वायर, आर जो है रेडियस ऑफ स्मॉलर, आर जो है रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल है। तो बेसिकली इसका आंसर जो आने वाला है विद इन सेकेंड, इसका क्या था बच्चों, 14 था। तो बस ये 14 का स्क्वायर कर दो, तो आप अपनी च्वाइसिस चेक कर लेना वहां पर, तो इसकी च्वाइसिस जो है वो इस तरह होंगी, 7 × 14। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो ये एरिया आपका हाथों हाथ आ जाएगा। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई। एक तो ये है कि आपको ट्रेडिशनल मेथड से करना पड़ेगा ताकि आपके दिमाग के अंदर ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कैसे निकालना है। और दूसरा ये है, मैंने आपको ये बताया कि यदि ये सेगमेंट्स का एरिया निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला ये है, आर स्क्वायर इंटू पाई बाई टू माइनस वन, दूसरी चीज ये है। और जो तीसरी ट्रिक है, ट्रिक ऑफ द दिस क्वेश्चन, यदि विद इन सेकेंड आप इसे करना चाहते हो तो सिर्फ आपने याद रखना 48/7 इंटू आर स्क्वायर, और ये जो आर है वो बच्चों क्या चीज है, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल है, और ये किसका एरिया आएगा बच्चों, सेगमेंट का, क्या आएगा, सेगमेंट का इंक्लूडेड एरिया जो है वो इससे फटाफट आ जाएगा। तो आप दोनों में से किसी को भी इस्तेमाल कर लो तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। और यदि चारों ऑप्शन आपके पास होती तो आपको आइडिया हो जाता कि उसका एरिया क्या है, क्योंकि इसका एरिया जो है बच्चों आपको मालूम है किसके अंदर आ रहा है, यूनिट्स के अंदर आ रहा है और इंटीजर आ रहा है, तो वहां पर जो भी इंटीजर के अंदर देखा उस तरह आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ आई या नहीं, क्लियर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, उसको अब हमने कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन सबको क्लियर था, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर टू कैसे करेंगे बच्चों, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है, ताकि ये आपको कंफ्यूज ना करे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर देखो, क्वेश्चन बहुत सुंदर नजर आ रहा है, एक छोटा सिक्का नजर आ रहा है, एक बड़ा सिक्का नजर आ रहा है, और वो भी किसके अंदर नजर आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। अब क्वेश्चन क्या कहता है, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो आप लोग मास्टर हैं, वेयर एसी इज अ हाइपोटेन्यूज, एसी क्या दे रखी है बच्चों, हाइपोटेन्यूज दे रखी है, ठीक है, एसी क्या दे रखी है, हाइपोटेन्यूज, और एक दो सर्कल जो है बच्चों इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, फाइंड रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, एसी बी जो है आपका 60 डिग्री है, ठीक है, ये आपका सी है, ये आपका ए है, ये क्या बच्चों बी है, तो ये आपका 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना दे रखा था, 60 डिग्री, और रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना दे रखा बच्चों, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रेडियस किसका निकालना है बच्चों, बिगर सर्कल का, ठीक है, रेडियस किसका निकालना है, बिगर सर्कल का, तो बिगर सर्कल के रेडियस को क्या मान लिया बच्चों, कैपिटल आर मान लिया, क्या मान लिया, कैपिटल आर, इज इट क्लियर और नॉट।
अब इधर देखो बच्चों, बड़े ध्यान से देखो, ये यदि आपका 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों, 30 डिग्री, और ये भी कितना होगा 60 डिग्री है। अब बड़े ध्यान से देखना कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर एंगल क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है या नहीं होता, ये मालूम है या नहीं मालूम। और ये बिल्कुल सेंटर से होता हुआ जा रहा है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा और ये वाला एंगल भी कितना होगा 30। इज इट क्लियर और नॉट? मैंने आप लोगों को बता रखा है कि सिमिलरिटी के अंदर यहाँ पर दो ट्रायंगल मुझे सिमिलर नजर आ रहे हैं और मुझे ये कैपिटल आर निकालना है, और इस कैपिटल आर को कैसे निकालना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये दो दो ट्रायंगल्स क्या हैं बच्चों, सिमिलर है। एक एंगल 90 है छोटे वाले के अंदर और एक 30 है, और बड़े वाले के अंदर भी क्या है वो 30 है। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए बच्चों, सिमिलर हो गए। और उसका नाम दे देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ये इसका नाम दे देते हैं बच्चों ओ, इसका नाम देते हैं ओ डैश, इसका नाम दे देते हैं डी, और इसका नाम दे देते हैं ई। तो ट्रायंगल सी ओ ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी। इज इट क्लियर और नॉट? एक एंगल 30 और एक क्या है बच्चों 90। अब आप लोगों को मालूम है बच्चों ये स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ये बात क्लियर है आप लोगों को यानी, ठीक है क्लियर। अब बच्चों ये जो सी ओ है छोटे वाले के अंदर और बड़े वाले के अंदर क्या है सी ओ डैश, इसको ये भी आपस में क्या होंगे बच्चों, प्रोपोर्शन में होंगे। किसमें होंगे? प्रोपोर्शन में। अब देखो बड़े ध्यान से समझो बच्चों, ट्रायंगल सी ओ ई यदि यहां पर आपने सिमिलरिटी लगाने की यूज कोशिश की तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री वाला हथियार हमारे पास सबसे बढ़िया हथियार है। तो यहां पर ये बताओ बच्चों ये क्या चीज है परपेंडिकुलर, और ये क्या चीज है बच्चों ये बताओ, यदि मैं 30 डिग्री एंगल ले रहा हूं ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या चीज है, ये 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज। तो 2/CO परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये एंगल कौन सा लिया था मैंने, ये तो ये हमारा क्या था बेस, और ये क्या था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये किसके इक्वल होगा sin 30, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/2। तो CO जो है हमारा किसके इक्वल आ गया बच्चों 4 के इक्वल आ गया, CO किसके इक्वल आ गया 4 के। अब बच्चों ये बताओ ये हमारा 2 है और ये हमारा कैपिटल आर है, तो सी ओ डैश जो है बच्चों वो किसके इक्वल होगा 4+2+R के इक्वल होगा या नहीं होगा, सी ओ डैश, बोलो बच्चों क्लियर है या नहीं। ये सी ओ कितना 4, ये कितना था 2, और ये कितना था R, ये दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं टच। तो सी ओ डैश की जगह यहां पर कैप स्मॉल आर की जगह 2 आ गया, ये कैपिटल आर आ गया, और सीओ की जगह आपका क्या आ गया बच्चों 4 आ गया है, और सीओ डैश की जगह क्या आ गया बच्चों आपका 6+R आ गया। वो आपको समझ आया बच्चों कैसे आ गया 6+R। अब इसको बच्चों सॉल्व कर देते हैं, और 2/R इज इक्वल टू 4/6, और स्मॉल आर क्या था 2, तो 4R इक्वल टू 8 × 2, 8 × 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो कैपिटल आर कितना आ गया बच्चों 4 सेंटीमीटर, यही आपने निकालना था। ये क्या बेटा, ये 6 था इतना यही था, तो ये कितना आया है सीओ कितना आया है 4 आया है, और 4+2 कितना हो गया 6 हो गया, बात समझ आई है नहीं। तो सीओ डैश कितना हो गया 4+2 6, 6+R, और रेशियो से हमने फटाफट कर दिया। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते ही देखो ये क्वेश्चन आपके लिए कितना सिंपल और कितना इजी हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? वेरी मच क्लियर। चलिए बच्चों अब आगे, ठीक है, एक बार फिर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल था, दो बच्चों सिक्के या दो सर्कल रखे हुए थे उसके अंदर, एक छोटा था उसका रेडियस आर था और बड़े वाले का निकालना था, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे थे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 है तो ये आपका 60 है, तो ये कितना होगा 30। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में इक्वल होती है क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, तो ये वाली भी लेंथ और ये वाली लेंथ भी आपस में इक्वल है, लेकिन उसका हमें यूज करने की जरूरत पड़ी नहीं बच्चों। और उसके बाद ये आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 30 आ गया, ये एंगल दोनों होते हैं वो क्या करते हैं बाइसेक करते हैं। तो अब हमने क्या किया, यहां से इस सी से हमने सीओ की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, और वो क्या यूज किया बच्चों ट्रिग्नोमेट्री, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट्स। और उसके बाद हमने रेशियो प्रोपोर्शन यूज किया जो सिमिलर ट्रायंगल के अंदर होता है, तो वो हमारा कैपिटल आर इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4। इसके अंदर मतलब एक छोटा सा सिक्का रखा है और एक बड़ा सर्कल रखा है, तो बड़ा सर्कल का रेडियस क्या होगा डबल होगा, और छोटे का क्या होगा स्मॉल होगा, ये बात समझ आई है नहीं क्लियर। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3।
दिस इज कॉल्ड एडवांस मैथमेटिक्स, ठीक है। और इसको जितना आप सोचेंगे उतना बढ़िया होते चले जाएंगे। बच्चों एक स्क्वायर है, इज इंस्क्राइब इन साइड अ सर्कल। एक स्क्वायर बच्चों इंस्क्राइब है, आप लोगों को नजर आ रहा है अंदर ही इंस्क्राइब है। एंड फोर स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम साइज आर ड्रॉन इन ऑल सेगमेंट्स। ये बच्चों सेगमेंट बने एक दो तीन चार, यहाँ पर छोटे छोटे क्या बना दिए गए हैं बच्चों, स्क्वायर बना दिए गए हैं अंदर, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फोर स्क्वायर्स इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14√2। तो अब बच्चों ये 14√2 है तो पूरा डायमीटर कितना होगा, 28√2। अब बच्चों बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इसको बच्चों मैंने यहां तक खींच दिया, यहां तक बात समझ आती है नहीं आती। और स्क्वायर की साइड कभी भी आपने लेनी हो तो वो हमेशा क्या लेना बच्चों, 2a लेना। क्या लेना हमेशा, 2a, ठीक है। तो अब इधर बात समझो, ये आपका पता चल गया आपको किसके इक्वल है, 14√2। बात समझे क्या, 14√2। और ये पूरी साइड 2a थी तो ये इतनी साइड ये वाली ये कितनी होगी बच्चों, a होगी या नहीं होगी, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही। और ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों, 90 होगा। और ये इसको मैंने मिला दिया इससे, इसको क्या किया मैंने इससे मिला दिया। तो ये मैं फिगर बाहर बना देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये कितना आ गया बच्चों, ए, ये कितना आ गया, ए। और ये वाली साइड आपको मालूम है बच्चों 2a है। और ये स्क्वायर की साइड है, क्या बच्चों, ये स्क्वायर की साइड है। और ये जो स्क्वायर की साइड थी वो क्या थी, 28√2 थी। तो ये कितनी होगी, 4√2, क्योंकि 4√2 ये इतना पोर्शन। इसको दूसरे पेन से ले लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये कितना होगा बच्चों, इतना 14√2। और ये क्या था, 2a। तो इसका मतलब बेस कितना आ गया, 14√2 + 2a। इज इट क्लियर और नॉट। और ये क्या चीज है बच्चों, रेडियस है। और रेडियस किसके इक्वल है, 28√2। और अब हमें स्क्वायर की साइड निकालनी है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन तैयार हो गया है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे और पाइथागोरस इसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 28√2 का स्क्वायर प्लस 14√2 प्लस 2a का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट, वेरी गुड। अब इसको खोल दो तो ये कितना हो गया, 28 × 28 × 2। तो ये आ गया 14 × 14 × 2 प्लस 4a स्क्वायर। 14 × 2 का कितना होता है बच्चों, 28। 28 का डबल कितना होता है, 56√2a। और ये क्या आ गया बच्चों, a स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये आ गया आपका 28। ये 28 ठीक लगाया या नहीं लगाया बच्चों, ये बताओ, ये गलत कर गए बच्चों। ये जो इसका रेडियस था बच्चों ये कितना था, 14√2 था। क्या था रेडियस, कितना था, 14√2। तो 14 × 14 × 2, ये बात समझ आई नहीं, 196। तो और ये आपका ये भी गड़बड़ कर गया, इसका मतलब ये आपका 14√2 था। तो इसका मतलब ये स्क्वायर की साइड कितनी आएगी बेटा, 14 आएगी। कितनी आएगी, 14। और ये क्या होगा, 14 + 2a होगा, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 196 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 14 × 2, 28 × 22 का डबल 56a। और वो क्या आ गया, a स्क्वायर। तो इक्वेशन बन गई हमारे पास 5a स्क्वायर प्लस 56a। और ये आपका हो जाएगा 196 माइनस 196 इंटू 2 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया हमने, 5a स्क्वायर प्लस 56a। और इसको सॉल्व करेंगे तो 196 कॉमन ले लो, 196 तो 1 − 2। तो ये आपका आ गया 5a स्क्वायर प्लस 56a और माइनस 196 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो a की वैल्यू बताओ बच्चों क्या हो सकती है, यहाँ पर फैक्टराइज करना आप लोगों को आता है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या इसके फैक्टर्स होंगे, सोचो इसको क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इसके, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं बच्चों इसके, 42 और 14 देखो, 6 2 4, ये 596। तो 196 को 5 से करो, नहीं बन रहा। तो ये बच्चों इसको श्रीधर चार्य फॉर्मूला से सॉल्व कर लो,
तो 56 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू माइनस 196 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो 56 का होल स्क्वायर निकालो बच्चों, क्या आता है? कितना आएगा बच्चों बताओ? आया बच्चों 56 प्लस माइनस 84 अपॉन 10, तो 56 प्लस 84 अपॉन 10, और वो नेगेटिव वाला हो नहीं सकता, तो 140, 140 को 10 से डिवाइड किया तो इसकी साइड कितनी आ गई बच्चों? 14। कितनी आ गई बच्चों? 14। कितनी साइड आ गई बच्चों इसकी? 14, ठीक है। और 14 का डबल कर लो तो 28 जो है उसकी साइड आ गई, और एरिया आप लोग निकाल लोगे। कैसे निकालते हैं? तो 4 टाइम इंटू 28 का स्क्वायर, चारों का सम निकालना था, तो चारों का सम जो है वो आपका क्या जाएगा? 4 इंटू 28 का स्क्वायर। क्लियर और नॉट? फिर दोबारा देखो बच्चों, एक स्क्वायर था सर्कल के अंदर इंस्क्राइब था, उसके अंदर चार स्क्वायर थे, उसका मैक्सिमम साइड्स निकालनी थी इन द ऑल सेगमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ द 4 स्क्वायर्स। तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये आपका टोटल कितना था? 28√2। तो ये रेडियस कितना हो गया? 14√2, आधा होता है। तो ये जब हम निकालेंगे तो ये एक हमारा स्क्वायर है, तो ये जो साइड है स्क्वायर की, तो वो क्या आएगी बच्चों? 14 आएगी। क्या आएगी? 14। और ये वाली साइड जो है बच्चों आपकी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये आपकी ए, इसको मैंने इससे मिलाया, तो ये आपका रेडियस है। पाइथागोरस लगा दी, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। तो साइड ऑफ स्क्वायर आ गई, तो साइड ऑफ स्क्वायर आ गई, तो उसका एक स्क्वायर का एरिया आ गया, और चार स्क्वायर हैं तो चारों स्क्वायर के एरिया को क्या कर दिया? ऐड कर दिया, तो रिक्वायर्ड एरिया आ गया। ठीक है, बात समझ आई? नहीं? थैंक यू वेरी मच।